टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को अक्वायर तो कर लिया, लेकिन टाटा ग्रुप का बहुत पैसा खर्च हो सकता है एयर इंडिया की रीब्रांडिंग और रीपेंटिंग में। आइए जानते हैं, टाटा ग्रुप अगर एयर इंडिया की पूरी एयरक्राफ्ट फ्लीट को रीपेंट करता है तो कितना खर्च आएगा। एविएशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट को रीपेंट करने में खर्च होता है करीब 1.5 करोड़ रुपए और एक नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट को रीपेंट करने में खर्च होता है करीब 40 लाख रुपए। वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट होती हैं जैसे बोइंग 747 और बोइंग 777, और नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट होते हैं जैसे कि एयरबस A320। यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि ये कॉस्ट ऑफ रीपेंटिंग है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कम होता है, कॉस्ट ऑफ रीपेंटिंग ज़्यादा होता है क्योंकि पुराने पेंट को उखाड़ना भी होता है। एयर इंडिया की फ्लीट में इस वक्त करीब 27 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट हैं, इसमें बोइंग 747 भी इंक्लूडेड है, बोइंग 777 भी इंक्लूडेड है, और 44 नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट हैं, इसमें एयरबस A320 भी है और भी काफ़ी नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट हैं। यानी वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट को रीपेंट करने का खर्च करीब आएगा 27 × 1.5 करोड़ रुपीज़, दैट इज़ अबाउट ₹40 करोड़, और नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट को रीपेंट करने में खर्चा आएगा 44 × ₹40 लाख, विच इज़ अबाउट 18 करोड़ रुपीज़। सो इन टोटल टाटा ग्रुप का करीब 58 करोड़ रुपए खर्च होगा एयर इंडिया को दोबारा से पेंट करने में, अगर रीब्रांडिंग और रीपेंटिंग करती है टाटा ग्रुप। इस सब्जेक्ट पे और अपडेट लेके आएंगे हम अपने अगले वीडियो पे, हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।